विज्ञान ने एक बार फिर चमत्कार कर दिखाया, एक ऐसा चमत्कार जिसकी कल्पना तो की जा सकती है लेकिन उसे साकार करना बेहद मुश्किल था। लेकिन अमेरिका के डॉक्टरों ने इस मुश्किल को मुमकिन कर दिखाया है, 3 लोगों से एक स्वस्थ और सुंदर बच्चा पैदा कर। उसके जन्म का खुलासा देर से किया गया है। इस लड़के में सामान्य तौर पर अपने माता पिता का डीएनए है और साथ में एक दानकर्ता का आनुवांशिक कोड। डॉक्टरों ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए ये सुनिश्चित किया कि बच्चा उस आनुवांशिक स्थिति से मुक्त होगा जो उसकी माँ के जीन में है। बच्चे की माँ जॉर्डन की रहने वाली है। 3 लोगों के डीएनए से वैज्ञानिकों को दुनिया का पहला बच्चा पैदा करने में बड़ी कामयाबी मिली है। मैक्सिको में 3 पेरेंट्स तकनीक से पैदा होने वाले बच्चे को विज्ञान का बड़ा चमत्कार माना जा रहा है। ये क्लोनिंग और IVF तकनीक के प्रयोगों से बिल्कुल अलग है, जिसे विवादित भी माना गया है। न्यू साइंटिस्ट नामक जर्नल में दुनिया के इस पहले बच्चे के पैदा होने की घोषणा की गई है। जॉर्डन के पेरेंट्स का ये बच्चा फिलहाल 5 माह का है। मैक्सिको में अमेरिकी टीम द्वारा किए गए इस ट्रीटमेंट की फिलहाल काफी सीमित जानकारी जारी की गई है, लेकिन अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के नेतृत्व में होने वाली एक साइंटिफिक सम्मेलन में इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया? कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसका काम कोशिका को ऊर्जा प्रदान करना होता है। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। कुछ महिलाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में आनुवांशिक दोष पाए जाते हैं जिससे उनके बच्चे में भी वो दोष हो सकता है। इस विकार को लेह सिंड्रोम कहा जाता है। ये पैदा होने वाले बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। जॉर्डन के एक परिवार पहले ही 4 गर्भपात और 2 बच्चों की मौत का सदमा झेल चुका है। लेह सिंड्रोम एक गंभीर मस्तिष्क संबंधी विकार है जिससे 40,000 नवजात शिशुओं में कम से कम एक प्रभावित है। रोग मुक्त शिशु के जन्म के लिए वैज्ञानिकों ने चरणबद्ध तरीके से काम किया। पहले चरण में उन्होंने खराब माइटोकॉन्ड्रिया वाली माँ के अंडाणु से केंद्रक यानी न्यूक्लियस को निकालकर सुरक्षित कर लिया। दूसरे चरण में उन्होंने दाता माँ की सेहतमंद माइटोकॉन्ड्रिया वाली कोशिका के केंद्रक को हटा लिया। तीसरे चरण में उन्होंने दाता माँ के अंडाणु में वास्तविक माँ का केंद्रक स्थापित कर दिया। इस तरह से 2 माँ और 1 पुरुष के जीन के मिलन से शिशु का जन्म हुआ। अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टरों की टीम ने माँ तथा एक अन्य डोनर महिला के अंडों को पिता के स्पर्म को एक साथ मिलाकर निषेचित किया। बाद में डोनर के निषेचित अंडे को बाहर कर उसे माँ के निषेचित अंडे से रिप्लेस करने की योजना बनाई गई। लेकिन मुस्लिम होने के कारण दंपत्ति ने 2 भ्रूणों को अलग करने का विरोध किया। अतः डॉक्टरों की टीम ने माँ के अंडों में से 1 भ्रूण को अलग करके डोनर के अंडे में डाल दिया। बाद में इसे डोनर के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और माँ के न्यूक्लियर डीएनए को लेकर पिता के स्पर्म के साथ निषेचित किया गया। क्या है एमडीएनए तकनीक? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यानी एमडीएनए डोनर तकनीक का उपयोग करके एक बच्चे को 3 पेरेंट से पैदा किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका होती है जिसे मानव शरीर का पावर हाउस भी कहा जाता है। इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। बच्चे में ये माइटोकॉन्ड्रिया माँ के डिंब से ही आता है। इस डीएनए में सामान्य रूप से माँ पिता से न्यूक्लियर डीएनए हासिल करके अन्य डोनर महिला के डीएनए का कुछ हिस्सा लिया जाता है और उससे भ्रूण तैयार करते हैं। क्यों विवादित है ये तकनीक? वैज्ञानिकों का दावा है कि 3 पेरेंट के डीएनए के चलते इसमें कई आनुवांशिक बदलाव हो सकते हैं, जिससे अगली पीढ़ी में कई अनजान खतरे पैदा हो सकते हैं। इससे संबंधित परीक्षण भी केवल प्रयोगशालाओं में ही हो सकते हैं। मानव शरीर में इससे प्रभावों का फिलहाल कोई आकलन भी नहीं हुआ है, जबकि इस तकनीक से बच्चे के विकास में कई खामियां आ सकती हैं। उसमें कैंसर या अन्य बीमारी का भी खतरा हो सकता है, लेकिन बाद में बच्चे का इलाज आसान नहीं होगा क्योंकि बच्चे के बदले हुए डीएनए के हिसाब से इलाज की सुविधा दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं होगी।